नवरात्रि के पहले दिन गुजरात पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ अपने दो दिवसीय दौरे की शुरुआत की। गृह मंत्री ने साड़ंद तहसील के आयोजित ESIC के अस्पताल के शिलान्यास के मौके पर लोगों को संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि इस नए अस्पताल से सिर्फ इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ही नहीं बल्कि साड़ंद तहसील के लोगों को भी इलाज की सुविधा मिलेगी। सबसे पहले तो आज शक्ति की आराधना का पर्व शुरू हो रहा है, आज से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। नवरात्रि प्रतीक है सद शक्ति के संचय का, नवरात्रि प्रतीक है असत्य पर सत्य की विजय का, और नवरात्रि उपासना के दिन है, शक्ति की उपासना के। आज ही नवरात्र शुरू हो रहा है। मैं गुजरात, मेरे मत क्षेत्र गांधीनगर और साणंद और देश भर के सभी नागरिकों को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद देना चाहता हूं। गांधीनगर लोकसभा में दो दिन के अंदर 350 बेड यहां और 150 बेड कलोल में, कुल मिलाकर 500 बेड का अस्पताल ESIC के द्वारा खोलने का निर्णय किया है। मैंने मंच पर उनको विनंती करी कि बहुत सारी फैक्ट्रियां कल कारखाने यहां लगे हुए हैं, श्रमिक भाई तो है ही है, मगर ये अस्पताल इतना आधुनिक आप बना रहे हो तो आप गांव वालों के लिए भी खोल दो। साणंद तहसील के सारे गांवों के लिए इस अस्पताल के दरवाजे उन्होंने खोल लिए। ये अस्पताल के अंदर OPD, इंडोर फैसिलिटी, एक्सरे और इसके बाद की सभी रेडियोलॉजी सुविधाएं, पूर्ण प्रयोगशाला, सारे ब्लड टेस्ट से लेके सारे पैथोलॉजी के टेस्ट होके, ऑपरेशन थिएटर होगा, प्रसूति की व्यवस्था होगी, इंटेंसिव केयर यूनिट होगा, अल्ट्रासाउंड भी होगा। और मैंने भूपेंद्र भाई को कहा है, मुझे आज सुबह ही साणंद के कई उद्योगपतियों का फोन आया है कि भी सरकार इतना सारा कर रही है तो 10 करोड़ तक का जो भी डिजाइन भूपेंद्र भाई करेंगे इसके अंदर MRI मशीन लाना हो, GIDC के उद्योजक की सहयोग से हम करेंगे ये अस्पताल को आप लोगों के लिए परिपूर्ण अस्पताल बनाने का काम करेंगे। 9.5 एकड़ जमीन है, अभी शुरू में तो 350 बेड का अस्पताल बनेगा, इसके लिए 500 करोड़ रुपया लगेगा। श्रम विभाग ने इसकी नींव और इसका स्ट्रक्चर जो बन रहा है इसके अंदर पूरी व्यवस्था करी है कि जरूरत पड़ने पर इस अस्पताल को 350 से 500 बेड का अस्पताल हम तुरंत ही बना सकते हैं। तो 500 बेड का अस्पताल यहां पर बनेगा, 750 करोड़ रुपए की लागत आएगी, और जो दूर सुदूर बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल से हमारे भाई बहन यहां पर काम करने के लिए आते हैं, रोजी रोटी करने के लिए आते हैं और अपने श्रमदान से देश के विकास को गति देते हैं, उन सबके और उनके परिवार की स्वास्थ्य की चिंता करने का ये बहुत बड़ा उपक्रम ये ESIC का अस्पताल बनने वाला है। विरोचन नगर में भी गुजरात सरकार के प्राथमिक आरोग्य केंद्र का लोकार्पण हुआ है, एक दीनदयाल मिलन केंद्र का भी लोकार्पण हुआ है, और आज औडा क्षेत्र में एक फ्लाईओवर ब्रिज का भी लोकार्पण हुआ है। सुबह 8 बजे से लेकर अब तक कुल मिलाकर अगर इसका 500 बेड का एक्सपांशन गन ले तो 1100 करोड़ से ज्यादा की लागत के काम गांधीनगर मत क्षेत्र के अंदर हुए हैं। मोदी जी ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच लिया है, इसके 3 हिस्से हैं। पहला, मेडिकल साइंस से जुड़े हुए सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स का विस्तार करना। दूसरा है आयुष जैसी
पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति को मेन स्ट्रीम में मुख्य धारा में लाना, और तीसरा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के हर गांव में एक्सपर्ट सुविधाएं पहुंचाना। 2013-14 में देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे और 21-22 में 387 से बढ़कर 596 मेडिकल कॉलेज पहुंचाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। MBBS की सीटें 51,000 थी, इसको बढ़ाकर 89,000, लगभग 90,000 करने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया। इस मंच पर से भूपेंद्र भाई को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मत क्षेत्र की ओर से कहना चाहता हूं कि आपने ये सारे जो श्रमिक भाई है इस क्षेत्र के अंदर लगभग 3 लाख है, सिर्फ सारण कॉम्प्लेक्स के अंदर 1,30,000 श्रमिक भाई बहन है, इन सब के लिए ये बहुत बड़ी सुविधा आपने की है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ ये अस्पताल भूपेंद्र भाई और मैं दोनों पीछे लगेंगे, जल्द से जल्द इसका उद्घाटन होगा, जल्द से जल्द उसका एक्सपांशन होगा, ऐसा विश्वास लेकर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम, भारत माता की जय। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।